नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है छोटा सा ब्लॉग में। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज 10 गते भादो 10 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिन है और हम लोग आ गए हैं मूर्ति लेने अपने गांव में। हमारे दादू का जो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मतलब मूर्ति बैठा है, इसी को लेने हम लोग आ गए हैं हमारे साथी। और हम लोग रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग मूर्ति लेकर आ गए हम अपने यहाँ। और यहाँ पर 12 बजे मूर्ति पूजा हो रहा है, पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पर सभी भक्तजन लोग आए हैं देखने के लिए, सहने वाले, और सभी लोग आकर यहाँ पर पूजा देख रहे हैं। और ये मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, मैं भी बैठा हूँ पूजा होने के प्रतीक्षा कर रहा हूँ और सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं पूजा होने का। सभी लोग सहने वाले जो जन्माष्टमी के दिन सहते हैं, वो सभी लोग पूजा करने के बाद हम भी पूजा कर रहे हैं। 12:30 बज रहा है रात के और हम भी पूजा कर रहे हैं और सभी लोग चला गया है और मैं ही बचा हूँ और कम ही लोग बचा है मूर्ति के ठाव में। और ये देखिए सुंदर सा दृश्य, रात के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं पूजा कर रहा हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्रंट कैमरा से आप लोगों का सुंदर सा भगवान का दृश्य। और देखिए ये पूरा डेकोरेशन हमारे गांव के भाई लोग ने और साथी लोग ने किया है। और देखिए दादू का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मूर्ति बैठाए हैं अभी पर, अभी अभी मूर्ति का मुख खुला है 12:30 बजे और 12 बजे के बीच में। और सभी लोग पूजा करके चल गए हैं और हमें भी पूजा किया और अभी मैं फ्रंट कैमरा से आप लोगों को सुंदर सा दृश्य दिखा रहा हूँ। और देखिए ये 1 बज रहा है अभी रात के और मैं प्रसादी ग्रहण कर लिया हूँ। और देखिए कीर्तन भजन करने वाले गांव के अंकल लोग और बड़े बुजुर्ग लोग आए हैं और मैं भी प्रसादी ग्रहण कर लिया हूँ। शुरू में आए थे अंकल लोग ग्रहण कीर्तन करने के लिए, तो तभी पंडित जी नहीं आया था, पूजा नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो लोग चल गया था। और अभी आए हैं 1 बजे के टाइम में कीर्तन भजन करने के लिए और सीताराम सीताराम कर रहे हैं। पंडित जी दूसरे ठाव से आकर देखिए क्या कर रहे हैं। 1 बजे कीर्तन हो रहा है यहां, पंडित जी ने दौवा करने वाले हमने काफी देखे थे दौवा। एकासी भादो 11 गते फिर से मैं 8 बजे निहा धुआ कर मैं आ गया हूँ फिर से भगवान को पूजा करने के लिए। और बहुत लोग कर लिए हैं और बहुत लोग करने के लिए बाकी भी है पूजा आराधना करने के लिए। और मैं आ गया हूँ और बैठक बैठक में लगा रहा हूँ, क्षमा प्राप्ति मांग रहा हूँ भगवान से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे महादेव, जय श्री कृष्ण, बम बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई देखो हमारे सब के मेला लागल है, मेला में मूर्ति लागल है, अथी कृष्ण जन्माष्टमी भ गेल है। आई बिहान भेल 11 गते हमारा दादू के मूर्ति बैठले है। आई मूर्ति के हम देखा रहल छी अहाँ सबके, ई दिन के दृश्य हब 11 गते के मुख राइते खुना है ना 12 बजे खुज लिया। अब पार्वती माता, ये हमार राधा जी, हमार कृष्ण भगवान, वासुदेव, हमार शंकर भगवान, जय बोले शंकर। हमारे गांव में 3 ठाव मूर्ति बैठाया था तो 1 ठाव मैंने वीडियो नहीं कर पाया और यहाँ पर दूसरा ठाव में आ गया हूँ दक्षिण बारी टोल में। वहाँ कुटी पर भी मूर्ति लगा मैं और मेरे भाई रविंदर भाई टोल का है, वो आ गए हैं। ठीक है, लगा मैं और रविंदर भाई आ गए हैं दक्षिण बारी टोल के मूर्ति देख के। और हम लोग पैदल आ गए हैं ससौला, जो राम गोपालपुर गांव के वार्ड नंबर 7 में पड़ता है ससौला गाँव, उसमें मूर्ति देखने के लिए और मेला देखने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही भीड़ था, भीड़ था लड़की लोग का और महिला लोग का, तो इसीलिए हम लोग है ना बहुत ही जुगाड़ के बाद है ना ये लड़की लोग महिला लोग जाने के बाद हमने वीडियो लिया है, क्योंकि यहाँ पर लोकल थी एरिया है, यहाँ पर किसी का वीडियो करेंगे तो वहाँ पर धुलाई भी हो सकता है। और देखिए सुंदर सा दृश्य और भगवान का कितना अच्छा बनाया है। तो 16 का जो मूर्ति था वाकई में बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाया था डिजाइनर ने और बहुत ही अच्छा सुंदर मूर्ति था। और यहाँ हमारे गाँव का जो मूर्ति है वो
बहुत ही उतना अच्छा नहीं है मूर्ति बनाए, फिर भी भगवान तो भगवान है, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर देखिए हम लोग ससोला से आकर, और देखिए यहाँ पर फिर आज रात भी भजन कीर्तन हमारे गांव में हो रहा है, मतलब हमारे ठाव में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज फिर से 12 गते है, और 12 गते सुबह सुबह 6 बजे के टाइम में हम लोग मूर्ति भसाने के लिए गांव के सभी आदमी लोग जा रहे हैं मूर्ति भसाने के लिए, और हम भी और वासुदेव महाराज को ले लिए हैं, और भाई लोग भैया लोग भी मूर्ति को रख लिए हैं। और देखिए हम लोग सभी लोग जा रहे हैं नदी में, और सभी लोग लाइन पर लाइन जा रहे हैं जयकारा लगाते हुए, और यहाँ पर हम लोग आ गए बाहर में। हम लोग आ गए हैं बाहर पर, यानी कि पैनी पर, और नदी में भी भसा सकता था मूर्ति, तो नदी में कम पानी होने के कारण से यहाँ पर बांध बना है पैनी में, इसीलिए इसमें पानी बहुत है, तो इसीलिए सभी लोग है ना इसी में भसा रहे हैं। और मेरे भैया का मूर्ति और यहाँ गांव में भी एक ठाउं और लगा था मूर्ति हमारे टोल में, तो उसका भी मूर्ति, सभी लोगों का मूर्ति इसी बहा में बारीकी बारीकी से बारी बारी से सभी लोग है ना पानी में विसर्जन कर रहे हैं मूर्ति को। और मैं भी वासुदेव महाराज को लेकर गया था, और मैं भी विसर्जन कर रहा हूँ, और सभी लोग कर रहे हैं, और सभी लोग है ना इसमें मूर्ति विसर्जन करने के बाद सभी को नहाना पड़ता है पानी में, और सभी लोग है ना मूर्ति भंसाए और नहा कर सब गोरा निकलते हैं। तो अभी देखिए सभी लोग है ना मूर्ति भंसा रहे हैं, और ये लास्ट मूर्ति है, और सभी लोग का, मैं भी जींस पहना था तो इसीलिए मैं भी थक गया था निहाते निहाते, और देखिए मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, थकने के बाद मैं ऊपर आ रहा हूँ। और साई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, और मैं ये साई वीडियो लाऊंगा, और आप मुझे लाइक कमेंट करते रहिए, और अपने भाई को मोटिवेट करते रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो आज हमारा कृष्ण जन्माष्टमी खत्म हो गया, अभी हम लोग मूर्ति भसा के आए हैं, और ये हमारा गांव के बंदा लोग ये अभी लोग मूर्ति भसाने गया था। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फेसबुक पेज से देख रहे फॉलो कर दीजिए, और ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा। अभी खत्म हो गया है एक वीडियो, और दूसरा वीडियो लाऊंगा, अपने भाई को प्यार सपोर्ट करिए। और देखिए ये हमारे गांव का जितना आदमी गए जा रहा है वो सब आए थे मूर्ति भसाने के लिए, ये पूर्व बहुत आदमी आया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।